बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर डिस्कस कर रहे थे। उसके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमने पहले डिस्कस चुके हैं, बट अभी उनका ओवरव्यू हम दे रहे हैं इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, विच व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट कंट्री लाइक पाकिस्तान, एंड व्हाट मेजर आर टू बी टेकिंग इन इंक्रीजिंग कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए क्या मेजर्स ले सकते हैं और कैपिटल फॉर्मेशन के मेन सोर्स क्या है, तो इसको देखते हैं। तो कैपिटल फॉर्मेशन के मेन सोर्स क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन, द सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन कैन बी डिवाइड इंटू टू, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज। दो में हम डिवाइड करते हैं, बोथ सो डिवाइड इंटू सब सोर्सेज, ठीक है। इंटरनल में क्या है? इंटरनली होता है, वॉलंटरी लोग सेविंग कर लें, टैक्स हो जाए, गवर्नमेंट बोरोइंग लोगों से कर लें, यूज ऑफ आइडल रिसोर्सेज, जो हमारे आइडल रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको हम यूज कर लें, और डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये सारे हमारे इंटरनल हैं। अपने डेफिसिट फाइनेंसिंग को मेजर सोर्स हैं कैपिटल फॉर्मेशन को करने के लिए, कि वॉलंटरी सेविंग, टैक्स हो गया, गवर्नमेंट बोरोइंग, यूज ऑफ आइडल रिसोर्सेज हैं, और डेफिसिट फाइनेंसिंग, अपने उधार ले लें हम। अच्छा, एक्सटर्नल सोर्स में क्या है? फॉरन एड है और ग्रांट, जो बाहर मुल्कों से, जब हमारा कैपिटल फॉर्मेशन जिन कंट्री में नहीं होता, लाइक पाकिस्तान, तो वो क्या करते हैं, बाहर मुल्कों से वो क्या करते हैं, मदद लेते हैं, एड लेते हैं, तो ये एक्सटर्नल आ गया। और फॉरेन लोन्स, बाहर मुल्कों से लोन लेने, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये तमाम हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स है, ठीक है। अच्छा, फॉरेन एड, अब फॉरेन एड क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा भी जाता है कि फॉरेन एड एंड ग्रांट, लोन आर, फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन। जब हम मुल्क के अंदर बचत नहीं होती, तो बाहर लोग से हम इस तरह से पैसा लेते हैं। फॉरेन एड मे बी टू ऑब्टेन द फॉरेन कंट्रीज एंड फ्रॉम द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन सच एज वर्ल्ड बैंक से ले लें, IMF से ले, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और डोनर कंट्रीज से ले लें, ठीक है, ये एक्सटर्नल सोर्स है हमारे। अच्छा, मेजर फॉर द इंक्रीज द कैपिटल फॉर्मेशन, क्या चीजें हैं जो कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ा सकती हैं? उसके अंदर कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन, जो मनी वैल्यू डाउन होती है, उसको अगर हम कंट्रोल करें तो हमारी मनी स्टेबल हो, और मनी स्टेबल होने से क्या अल्टीमेटली क्या होगा कि हम कैपिटल फॉर्मेशन हो सकती है। डिस्करेजिंग कंजप्शन, कंजप्शन जो बहुत अननेसेसरी आइटम है, जो लग्जरी आइटम है, उनकी कंजप्शन कम कर दें, जिसकी वजह से हमारा लोग सेविंग की तरफ आएंगे। अच्छा, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग, लोगों को जो सेविंग बैंकों में रखवाते हैं उस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, तो लोग ज़्यादा अपना पैसा बैंकों में रखेंगे, लोगों को सेविंग हैबिट होगी और कैपिटल फॉर्मेशन होगी। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इनकम एंड वेल्थ, जो डिफरेंट सेक्टर है उनमें जो इनकम और वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिस्ट्रीब्यूशन सही हो जाए, उसको सही कर देंगे तो लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो लोग ज़्यादा सेव कर सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन एजुकेशन एंड फॉरनेसनेस, एजुकेशन हो और फॉरेन कंट्री में जितने पाकिस्तान लोग जा रहे हैं, वो ज़्यादा एजुकेशन लें, ताकि वो ज़्यादा रेमिटेंस पाकिस्तान में भेजें। इंक्रीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा तो डेफिनेटली बाहर लोग से भी मुल्क आकर इन्वेस्ट करेंगे, और हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। सेटल अप द बेसिक इंडस्ट्री, जो बेसिक इंडस्ट्री है उनको सेटअप करें, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बेसिक इंडस्ट्री है जो सेटअप नहीं है, ठीक है। डिस्कस द इम्पॉर्टेंस फॉरेन असिस्टेंट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा, ये फॉरेन असिस्टेंस का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, और ये हमारे इकोनॉमिक के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन इकोनॉमिक असिस्टेंट। फॉरेन इकोनॉमिक असिस्टेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, द बेनिफिट ऑफ सच असिस्टेंट आर डन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके क्या क्या बेनिफिट है ये हम नीचे डिस्कस करें। फॉरेन लोन ब्रिज सेविंग गैप एज वेल एज द बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट और हमारा सेविंग नहीं होता, वो बाहर के मुल्कों से हम लोन लेकर पूरा करते हैं, जो उनकी मदद आती है। डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट आर मेड बाय द प्रोडक्टिविटी एंड वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इंक्रीज, जो हमारी डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट है, रोड ब्रिज वगैरह है, और जो भी हमारे इवन डिफेंस के भी हैं, वो भी हम फॉरेन एड से पूरा करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जब बाहर से पैसा आता है तो हम काम शुरू करते हैं, काम शुरू करेंगे तो डेफिनेटली मुल्क में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्रीज एंड हायर क्वालिटी ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस, जो जब टेक्नोलॉजी आती है, हमारे अपने पास तो है नहीं, जो बाहर मुल्कों से पैसा लेके हम टेक्नोलॉजी लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, उससे हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स भी प्रोड्यूस करते हैं। इमरजेंसी रिक्वायरमेंट आर मीट, और जो हमारी इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट है, वो भी कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई फ्लड वगैरह आ जाए, तो भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। डिफेंसेज मोटराइज, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसमें एयरक्राफ्ट लेना, असला लेना, डिफरेंट चीज़ें लेना, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते, ना इतनी सेविंग होती कि हम अपने बजट में दे सके, तो वो भी क्या होता है, इधर से ही होता है, ठीक है। इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू, जब मुल्क के अंदर चीज़ें आएंगी, चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाएगी, तो उसका टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा।
ठीक है। अच्छा शॉर्ट नोट सम टाइम हो जाते हैं तो इसको थोड़ा सा डिस्कस के लिए राइट शॉर्ट नोट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या प्रॉब्लम होते हैं, मेन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री क्या है, ओल्ड मेथड से जो छोटी छोटी स्मॉल इंडस्ट्री है वो ओल्ड मेथड ही यूज़ कर रही है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिससे डेवलप नहीं हो पा रही। डिफिकल्टी इन गेटिंग रॉ मटेरियल उनको नहीं मिलता जो उनका रिक्वायर्ड है, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन नहीं होती। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिजली महंगी है, पानी महंगा है, लोड शेडिंग है, फलाना फलाना, अल्टीमेटली क्या होता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई हो जाती है। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस, कोई उनको एक्सेसिबल नहीं है छोटे दारों को कि वो फाइनेंस ले सके। लैक ऑफ प्रॉपर मार्केटिंग, ना कोई मार्केटिंग है, ना मार्केट अवेलेबल है जहाँ उनकी जो प्रोडक्ट है उसको एक रीजनेबल रेट पे सेल किया जा सके। अच्छा, शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पैसे नहीं है तो पैसे के बगैर कोई भी इंडस्ट्री डेवलप नहीं कर सकती। अच्छा, मेन एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या है, हमारे क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं हम, रॉ कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्ट एंड कॉटन यार्न प्रोडक्ट्स करते हैं, राइस है, लेदर लेदर प्रोडक्ट्स हैं, कारपेट और रग हैं, टेंट्स हैं, सैनिटरी टेक्सटाइल टेक्सटाइल की प्रोडक्ट है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, स्पोर्ट गुड्स है, रेडीमेड गारमेंट है, वेजिटेबल फ्रूट एंड फिश है, इंजीनियरिंग गुड्स है, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल, ये सारी हमारी प्रोडक्ट हैं। अक्सर आपसे नोट में पूछ सकता है तो आप इसको आंसर करें। ठीक है, मेन इंपोर्ट्स क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें इंपोर्ट करते हैं, मशीनरी, पेट्रोलियम, केमिकल, व्हीकल एंड स्पेयर पार्ट्स, एडिबल ऑयल, वीटी, फर्टिलाइजर, प्लास्टिक, प्लास्टिक मटेरियल, पेपर, बोर्ड, आयरन एंड स्टील और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट भी। ये हमारी क्या है, ये मेन हमारी इंपोर्ट्स है। ठीक है, अच्छा प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी क्या है, प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी वो है जिसके अंदर हम गवर्नमेंट के अंदर जो इदारे हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में ले लेते हैं, और ये पाकिस्तान की अक्सर पूछी जाती है तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्राइवेटाइज द प्रोसेस ऑफ विच द गवर्नमेंट ओन फैक्ट्रीज एंड सर्विस आर ट्रांसफर इन टू प्राइवेट सेक्टर बाय देयर सेल, फॉरन इन्वेस्टर कैन ऑल्सो भी परचेज दीज इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू सेल गवर्नमेंट इंटरप्राइज ओपन अ बेड आर इन्वाइट फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। अच्छा एक मिनट, अजान हो रही है, थोड़ा सा रुक जाइए। अच्छा जी, इन ऑर्डर टू सेल द गवर्नमेंट इंटरप्राइज ऑफ इन बेड आर इन्वाइटेड टू द प्राइवेट सेक्टर, इन सम केसेस शेयर इंटरप्राइज ऑल्सो सोल्ड इन स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, डी रेगुलेशन मीन्स रिड्यूसिंग द रूल ऑफ रेगुलेशन, मेक इन्वेस्टमेंट ईजी एंड लोकल एंड फॉरन इन्वेस्टर, नाउ फॉरन नेशनल कैन बी सेटअप देयर फैक्ट्री एनी वेयर इन पाकिस्तान विदाउट गोइंग थ्रू द कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर ऑफ गवर्नमेंट प्रोसीजर परमिशन। ठीक है, तो ये वही होता है कि एक तो जो गवर्नमेंट ओन है वो बहुत सारे, जैसे गवर्नमेंट के पहले बैंक से, एच बी एल था,
था, ये गवर्नमेंट ओन था और ये प्राइवेट सेक्टर में आ गया। इसी तरह से बहुत सारी फर्म्स हैं जो पहले गवर्नमेंट की ओन थी और वो फिर प्राइवेट सेक्टर में चली गई। इसी तरह से गवर्नमेंट ने और लिवरेज दी है कि जो बाहर मुल्क से लोग आते हैं वो अपनी इंडस्ट्रियाँ यहाँ पर लगाएं और ताकि उनको ज़्यादा ज़्यादा पैसा और भी मिले और पाकिस्तान को रेवेन्यू और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। ठीक है, एडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन क्या है? इंक्रीज इन एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी। डेफिनेटली जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बहुत लो होती है। इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट अर्निंग। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट अर्निंग हमारी बढ़ जाएगी। ब्राउडिंग द बेसिस ऑफ शेयर ऑफ कैपिटल इन स्टॉक मार्केट, और हमारे शेयर कैपिटल स्टॉक मार्केट भी इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन पॉलिटिकल प्रेशर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरप्राइज, और हमारा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरप्राइज भी इंक्रीज होगा। यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज एंड नो हाउ प्राइवेट ओनर्स, जो टेक्निकल नॉलेज है वो भी इंक्रीज होगी जब बाहर के लोग आके इन्वेस्ट करेंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। डिक्रीज इन डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिनेटली कम होगा, मुल्क के अंदर पैसा आएगा। इंक्रीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी हमारी इंप्रूव होगी। अच्छा, एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होता है, ये बहुत नंबर ऑफ टाइम हम पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो वो क्या है कि डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्री रिक्विजिट्स। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है, मींस इंक्रीज इन आउटपुट एंड गुड्स एंड सर्विस इन इकोनॉमी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मोर इंपॉर्टेंट दैन इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज द डेवलपमेंट इज वाइडली एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजिशन इन्वॉल्व स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। पूरा स्ट्रक्चर चेंज होता है इकोनॉमी थ्रू द इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, रेज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ती है, पर कैपिटल इनकम इसके अंदर इंक्रीज होती है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव टर्म है। अच्छा ठीक है, अच्छा विच इज इंक्लूड कंटिन्यूस इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी। ठीक है, ये बड़ा एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर पूरी इकोनॉमी और पर कैपिटल इनकम बनती है, और जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ क्वांटिटेटिव टर्म है, इसके अंदर रिप्रेजेंट द कम्युलेटेड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्टेडली प्रोसेस विच इज प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी इंक्रीज हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ब्रिंग एंड राइजिंग द लेवल ऑफ नेशनल इनकम बढ़ जाती है और आउटपुट बढ़ जाती है। सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ इज द नेम ऑफ मोर प्रोडक्ट ग्रोथ मेजर इन द टर्म ऑफ इंक्रीज इन रियल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी और जीएनपी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हम देखकर इसको मेजर करते हैं। ठीक है, अच्छा प्री रिक्विजिट फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट क्या है? प्री रिक्विजिट फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट क्या है? दो तरह के फैक्टर होते हैं डेवलपमेंट के, एक होते हैं इकोनॉमिक फैक्टर, नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक फैक्टर में नेशनल रिसोर्सेज का होना, कैपिटल फॉर्मेशन का होना, स्पेशलाइजेशन होना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करना, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बेहतर हो और एंटरप्रेन्योरशिप हो, लोग रिस्क टेकर हो। और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में क्या आता है? सोशल वैल्यू एंड एटीट्यूड आ जाता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी आ जाता है, इकोनॉमिक फ्रीडम आ जाता है, राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी आ जाता है। ठीक है, अच्छा डिस्कस इकोनॉमिक इकोनॉमी इन अ पॉलिटिकल एंड सोशल ऑब्स्टेकल। अब सोशल और पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल क्या है, पॉलिटिकल क्या है, सोशल, ये भी पास्ट पेपर में पूछा गया है तो इसको भी हम समराइज करते हैं। अच्छा ऑब्स्टेकल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान इज टू मेनी, दीज हैव बी डिवाइडेड इनटू इकोनॉमिक सोशल और पॉलिटिकल में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। इकोनॉमिक क्या है, लैक ऑफ कैपिटल है, हमारे पास कैपिटल नहीं है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है, और इसके अलावा शॉर्टेज मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनएफिशिएंसी ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर है। ठीक है, अच्छा सोशल में क्या है, कास्ट सिस्टम है, कास्ट को प्रेफर करते हैं एक दूसरे के ऊपर, हैवी कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिक पीपल आर कंजर्वेटिव, बहुत ज़्यादा लिमिटेड सोच, लिमिटेड काम करने वाले लोग हैं, हाई लिटरेसी रेट है, नॉन मटेरियलिस्टिक अप्रोच ऑफ लाइफ है, नो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, इन वुमन का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। अच्छा पॉलिटिकल ऑब्स्टेकल में क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लैक ऑफ कंटिन्यूटी इन इकोनॉमिक पॉलिसी, नेगेटिव रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी है। अच्छा करप्शन एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या है, लैक ऑफ प्रोफेशनल एफिशिएंसी है। ठीक है, सजेशन क्या है, देयर आर मेनी अदर ऑब्स्टेकल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर डेवलप्ड कंट्री लाइक पाकिस्तान, दीज ऑब्स्टेकल हैव बीन डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर ग्रुप विच आर मेंशन अबव, इन देयरफॉर सजेस्टेड इन अबव ऑब्स्टेकल शुड बी रिमूव फ्रॉम द डेवलपमेंट कंट्री लाइक पाकिस्तान। द डिटेल ऑफ अबव पॉइंट हैव बीन डिस्कस, हमने इस चैप्टर में उसको डिस्कस कर लिया अपने पहले चैप्टर्स में भी। ठीक है, अच्छा ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समराइज है, इसको इसी तरह से याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह एग्जाम में अटेम्प्ट करना आसान हो जाएगा।
अच्छा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक क्वेश्चन आता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज बेसिक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिस्कस इन द रेफरेंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का इन द रेफरेंस ऑफ पाकिस्तान क्या, इंडस्ट्रियल प्ले अ डोमिनेटिंग रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन वेस्टर्न कंट्रीज अ वेरी हाई, दे इंजॉय ऑल कम्फर्ट लग्जरी लाइफ ड्यू टू हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ देयर कंट्री, दिस इज ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन, अनफॉर्चुनेटली दे आर नो इंडस्ट्री वेयर पाकिस्तान कम इन टू बींग, बट नाउ विद द इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पीपल देयर हैव बीन इम्प्रूवमेंट इन रिगार्ड, हाउ एवर मोर इज रिक्वायर्ड। इंडस्ट्री जिस तरह से डेवलप कंट्री के अंदर है उस तरह से तो हमारे पास डेफिनेटली नहीं है, मगर अभी गवर्नमेंट और लोगों ने करके अब हमारी भी कंट्री उस प्रोसेस की तरफ है, ग्रोइंग प्रोसेस की तरफ है जिसके अंदर वो डेवलपमेंट है, कुछ इंडस्ट्रियाँ लगने लगी हैं, ठीक है। रोल ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या, इंक्रीज ऑफ नेशनल इनकम, ज़्यादा प्रोडक्ट होगी, अच्छी प्रोडक्ट होगी तो अल्टीमेटली नेशनल इनकम बनेगी, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी होगी, डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर होगा, इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू होगा, इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर होगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल डोमिनेशन होगा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ मशीनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, हाउ फेयर इट इज सक्सेसफुल इन पाकिस्तान। अभी हमारा जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड इसलिए कि उधर पुराने मेथड ऑफ कल्टीवेशन यूज होते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि आप देखेंगे प्रॉपर सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन के अंदर मशीनी का यूज़ पाकिस्तान के लिए कितना यूजफुल है। द मशीनाइज फार्मिंग मीन्स द यूजफुल ऑफ मशीन अप्लाइंस एंड साइंटिफिक टेक्नोलॉजी फॉर बूस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन ट्रैक्टर, बुलडोजर, ट्यूबवेल, ट्रॉली एंड हार्वेस्ट आर इंक्लूड। मशीनाइजेशन टूल टू मॉडर्न मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैज बीन रिकग्नाइज, मशीनाइजेशन जर्नेट ग्रेटर क्रॉपिंग एंड इंटेंसिटी ऑफ इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, इज अ रिजल्ट ऑफ कंसिडरेबल सेविंग एंड फूडर ऑफ फीड थ्रू द रिडक्शन ऑफ बुलकुड पॉपुलेशन एंड द ट्रांजिशन फ्रॉम द सब्सटेंस ऑफ फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग कैन ओनली बी अचीव थ्रू द ट्रांसफर ऑफ द मोस्ट एफिशियंट एंड इफेक्टिवनेस टेक्नोलॉजी फार्मिंग सिस्टम, द एफिशियंसी यूज ऑफ स्केयर एग्रीकल्चर रिसोर्सेज आर एक्सीलरेटेड एंड एग्रीकल्चर मशीनाइजेशन इज देयर फॉर द वाइटल एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन कंसिडरेशन ऑफ द रोल ऑफ परसिस्टेंट फार्मिंग ऑपरेशन, द यूज ऑफ मशीनरी हैज बीन इनफ थ्रू। तो वो यही बात कह रहा है कि जो कंट्री है चाइना है अमेरिका है उसका पढ़कर जो प्रोडक्शन है उसको ज़्यादा बहुत हाईली मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे होते हैं कंपेरेटिवली हमारे, तो जब वो यूज़ कर रहे होते हैं वो चीज़ें हम यूज़ करेंगे मशीनों को तो इंशाल्लाह हमारी भी एग्रीकल्चर बेहतर होगी। प्रोविजन ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी इन कमर्शियल बैंक, डिमांड फॉर द ट्रैक्टर हैज बीन आउटस्प्रेड, लोकल प्रोडक्शन टाइम लैग इन द डिलीवरी ऑफ ट्रैक्टर रैपिडली 3 to 4 months, सच एज द शॉर्टेज ऑफ 10,000 ट्रैक्टर पर एनम हैव बीन नोटेड इन अ कंट्री अगेंस्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटी ऑफ मैनुफैक्चरिंग यूनिट इन ऑर्डर टू मीट द ट्रैक्टर डिमांड, न्यू इन्वेस्टर हैव बीन इंगेज इन ऑर्डर टू इनहांस द लोकल प्रोडक्शन ऑफ मीटिंग राइजिंग डिमांड ऑफ फार्मर। हमारे यहाँ इतने ज़्यादा ट्रैक्टर की डिमांड है कि अभी सिर्फ ट्रैक्टर ही यूज हो रहे हैं, बाकी तो इतनी हैवी इक्विपमेंट अब यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, मगर उस डिमांड को भी पूरा करने के लिए हमारे पास सफिशियंट इंडस्ट्रीज नहीं है, ठीक है। तो वो भी वो कह रहा है कि पर एनम जो ट्रैक्टर की डिमांड है 10 to 15,000 है और वो भी 3 to 4 months लग जाते हैं अगर आप एक ट्रैक्टर ऑर्डर करें तो उसकी डिलीवरी में। यूजफुल ऑफ मशीनाइजेशन, मशीनाइजेशन की क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, इंक्रीज आउटपुट होगी, इंक्रीज लिविंग स्टैंडर्ड होगा, लोगों के पास पैसा आएगा, फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा, मल्टीपल क्रॉप होगी, इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। सजेशन द इंक्रीज इन मशीनाइज फार्मिंग, किस क्या सजेशन है कि हमारी मशीन की फार्मिंग उससे इंक्रीज हो जाए, गवर्नमेंट शुड बी अडॉप्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ मशीनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, रिड्यूस प्राइस ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट शुड बी एग्रीकल्चर सेक्टर, प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एट लो रेट फॉर ट्यूबल, सेट अप द वर्कशॉप रिपेयर एंड मशीनरी, एस्टेब्लिश टेक्निकल ट्रेनिंग एंड सेंटर इन रूरल एरिया, प्रोवाइड लोन facility and farmer in a low interest rate, or corporate farming should be started in a former land।
ठीक है, बहुत इजी इजी सी बातें इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करेंगी आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि फॉरेन एड इज़ अनअवॉइडेबल फॉर पाकिस्तान पाकिस्तान कमिट। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन एड क्या है? फॉरेन एड इज़ असिस्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसके बेनिफिट ये हैं कि फॉरेन लोन ब्रिज ये हम पढ़ चुके हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और इसमें ब्रिज होते हैं, डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ मीन प्रोडक्टिविटी वेरियस सेक्टर में जो होती हैं, पैसे नहीं होते तो वो भी हमारी फॉरेन एड से होती है, इकोनॉमिक इस्टेब्लिश मॉडर्न इकोनॉमी ना सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी होती है, एड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती है, हायर क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस होती हैं, इमरजेंसी की सूरत में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, व्हाट आर द सोर्स ऑफ फॉरेन असिस्टेंट इन पाकिस्तान? क्या क्या सोर्स है? फॉरेन लोन एंड क्रेडिट है, फॉरेन ग्रांट्स है और फॉरेन एड है, ठीक है। फॉरेन असिस्टेंट एक्सटर्नल सोर्स मेनली कंप्रोमाइज, जो एक्सटर्नल सोर्स है वो क्या है, लोन क्रेडिट फ्रेंडली कंट्री से लेते हैं हम, स्पेशलाइज इंटरनेशनल जो होते हैं, ग्रांट असिस्टेंट अंडर द स्पेसिफिक कंट्री से हमें ग्रांट है, ठीक है। अच्छा, फॉरेन एड एंड लोन क्रेडिट ग्रांट इज अ ब्रॉडली कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट एड, जो भी मिलती है वो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए होती है, कमोडिटी एड, फूड एड एंड अदर एड, प्रोजेक्ट एड विच आर जनरली टेक इन द शेप ऑफ फॉरेन एड एंड ग्रांट प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट इक्विपमेंट इन सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेट्रा, कमोडिटी आर यूटिलाइज टू कमर्शियल इम्पोर्ट गुड्स इम्पोर्टेड अंडर द एज ऑफ जनरल इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इक्विपमेंट कंज्यूमर गुड्स केमिकल फर्टिलाइजर अदर कमोडिटी मे बी स्पेसिफाइड द जनरल एग्रीमेंट टू इट। इफ द एज इज यूनिटेड एज द कंट्री में एक्चुअली नीडेड कमोडिटी एड ऑल्सो हेल्प टू ग्रेटर रुपीज फंड आर्ग्यूमेंट इन द कंट्री रुपीज रिसोर्स मीन डेवलपमेंट नीड फूड इज कम्प्रोमाइज ऑफ फूड स्टफ सच एज वीट एडिबल ऑयल इन केस ऑफ इन मोस्ट केसेज द नेट सेल प्रोसीड ऑफ फूड एड आर डिपॉजिट इन अ काउंटर पार्ट फंड विच आर फर्दर यूटिलाइज फॉर द डेवलपमेंट पर्पज एंड असिस्टेंट अंडर द अदर एड कम्प्रोमाइज द लोन एंड ग्रांट नॉन ट्रेडिशनल सोर्स जनरली बाय द वे ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट। तो हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा जब कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है तो डेफिनेटली हमारा बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं हम फॉरेन एड पर, और अगर फॉरेन एड के लिए स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट के लिए होती है तो हम उसको उसी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा यूज़ नहीं कर सकते। अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं होती तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर वो फूड एड होती है तो फूड के प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, वरना उसको स्पेसिफिकली पर्पज में होगा। अच्छा, लोन एंड ग्रांट मे बी ऑब्टेन फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेते हैं, इंटरनेशनल बैंक से लेते हैं, रिकंस्ट्रक्शन इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से लेते हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन से, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम होता है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूनाइटेड एज एजेंसी होती है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, समरी ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, प्रोजेक्ट एड हमें इतने मिलियंस में मिली है, कमोडिटी एड नॉन फूड आइटम कितनी है, फूड आइटम कितनी मिली है अभी तक, ये 2006-2007 का डाटा है, अदर एड्स हमें इतने रुपीस टोटल इतना, ठीक है। ये एक ऐसी आपके लिए फिगर है, याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं होती तो भी सही है। अच्छा, मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एड असिस्टेंट पाकिस्तान हैव बीन थ्रू द एड टू पाकिस्तान कंसोर्टियम पार्ट क्लब कंट्री लाइक मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशन नॉन कंसोर्टियम इस्लामिक कंट्री अमंग द एड ऑफ पाकिस्तान इज फॉर्मुलेटेड 1960 के अंदर एक फॉर्मुलेट हुआ था, पाकिस्तान डेवलपमेंट फोरम इन लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इकोनॉमिक असिस्टेंट ऑफ पाकिस्तान इन 2004-5 के अंदर, जिसने प्रोवाइड किया, इसके थ्रू प्रोवाइड हुआ था 75.3% ऑफ द टोटल कमिटमेंट शेयर ऑफ नॉन कंसोर्टियम इस्लामिक कंट्री रिलीफ असिस्टेंट अफगान रेफ्यूजी 23.3% था, 1.3% इसके अंदर रिस्पेक्टिवली था। ड्यूरिंग द रीसेंट फिस्कल ईयर 2005-6 के अंदर क्या है, 41% ऑफ टोटल कमिटमेंट इसके थ्रू आया है, वेयर एज नॉन कंसर्न इस्लामिक कंट्रीज रिलीव असिस्टेंट ऑफ अफगान रेफ्यूजीज है, अर्थक्वेक क्या 7% है और 39% है, 0.1% है, टोटल मिला के 42% है। ये याद हो जाए अच्छी बात है, वरना इसका आप एक फिगर के बगैर भी एक ओवरव्यू दे दें तो वो भी गुड इनाफ है, ठीक है। अच्छा जी, एक मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगेन एंड अगेन हम डिस्कस कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट हुई है, ठीक है। मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, डिस्कस द डिफरेंस मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन पाकिस्तान, वही स्टोरेज अफोर्डेबल, तो ये क्या है मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एज अ स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट एंड अफोर्डेबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ गुड इन्वेस्टमेंट एंड एलिमेंट देयरफॉर द
प्री कंडीशन ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. कम्युनिकेशन आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज एसेंशियल टू द मेंटेन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस. ट्रांसफर द कम्युनिकेशन सेक्टर इन पाकिस्तान अकाउंट फॉर द 11% जीडीपी के अंदर हमारे रोल प्ले करता है. ये सब हम पढ़ चुके हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन हेल्प इंक्रीज एक्सटेंशन इंटरनल फॉरन ट्रेड में होता है. इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है. इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू होता है. डेवलप यूनिटी एंड पीपल के अंदर होता है. हेल्प इन इंप्रूवमेंट इन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होता है. स्टेबलाइज द प्राइस लेवल रिड्यूस द कॉस्ट है. हेल्प इन एक्सपेंशन एजुकेशन एंड मेंटेनिंग. ठीक है, सारे इसके इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, द क्वालिटी ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आर क्रिटिकली मेंटेन इन ग्रोथ ऑफ द कम्पिटिटिवनेस. रोड रेलवे शिपिंग आर थ्री मेजर कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर. रोड ट्रांसपोर्टेशन बैकबोन ऑफ पाकिस्तान ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. अकॉर्डिंग टू द 90% ऑफ नेशनल पैसेंजर ट्रैफिक 96% ऑफ फ्रेट मूवमेंट ओवर द पास्ट 10 ईयर. रोड ट्रांसपोर्टेशन बोथ पैसेंजर एंड फ्रेट ग्रो मच फास्टर देन द कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ. द 9518 किलोमीटर लॉन्ग नेशनल हाईवे एंड मोटरवे नेटवर्क कंट्रीब्यूट 33.7% ऑफ टोटल रोड नेटवर्क एंड 90% ऑफ पाकिस्तान टोटल ट्रैफिक. पाकिस्तान विद अबाउट 155 मिलियन ऑफ पीपल हैज रीजनेबल डेवलपमेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम. हाउ एवर वेन कंपेयर विद द डेवलपिंग एंड डेवलप कंट्री द रोड डेंसिटी ऑफ पाकिस्तान इज लो एंड डेंसिटी इंक्रीज इन द इंडेक्स ऑफ propensity of development with the road industry. This सिंपल सी बात है. हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा चीप ट्रांसपोर्टेशन होती है रोड के थ्रू है. ठीक है, और हमारे जितने भी पोर्ट से लेके कंटेनर चलते हैं और पूरे पाकिस्तान में जाते हैं और फिर वापस आते हैं सारा रोड सिस्टम पे, और सबसे चीपेस्ट वे है. तो रोड क्वाइट इंपॉर्टेंट है और ये तुम्हारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ रेलवे. रेलवे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये भी पूछा जाता है, मॉडर्न रेलवे आर वन ऑफ द मेजर सेक्टर विद इन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. पाकिस्तान रेलवे बीइंग मोस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्ले अ वाइटल रोल इन जनरेटिंग डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी. रेलवे हैज डिफाइंड इज द अनमैचेबल एज ओवर द रोड एंड लॉन्ग बल्क मास स्केल ऑफ ट्रैफिक. वॉल्यूम बीइंग सेफ, पॉपुलेशन इन्वायरमेंट फ्रेंडली, मोस्ट इकोनॉमिकल कंपेयर ऑफ एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. सिंस 2000 पाकिस्तान रेलवे हैज लॉन्च्ड अ मॉडर्नाइज्ड प्रोग्राम विद द रिहैबिलिटेशन इंप्रूवमेंट ऑफ मेजर बोथ इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर रोलिंग स्टॉक. पाकिस्तान रेलवे प्लान टू अचीव द स्टेजेस ऑफ नेट प्रॉफिट 2010 के अंदर है. एम्फेसाइज द इंक्रीज द शेयर ऑफ फ्रेट ट्रैफिक फॉर द रेलवे सेक्टर फॉर एग्जिस्टिंग 5.53 बिलियन टन किलोमीटर ऑफ 100 बिलियन टन किलोमीटर बाय 2010. प्रोक्योरमेंट डीजल इलेक्ट्रिक लोनेटिक एज वेल एज हाई कैपेसिटी हाई स्पीड फ्रेट वैगन एंड पैसेंजर कोचेज हैव बीन प्लान्ड. ठीक है, जितना सबसे दुनिया में चीप जो है वो बाईसी है और फिर रेल ट्रांसपोर्ट है. ठीक है, तो रेल ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इंपॉर्टेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये भी सब नए पूछता है तो इसको हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर मोबाइल फोन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. कंप्यूटर हैज़ बीन नेवर सेंचुरी एवर बिजनेस. नाउ कंप्यूटर हैव बीन चेंज द वे ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री फंक्शन. कंप्यूटर हैव बिकम अ फंडामेंटल टू मॉडर्न सोसाइटी दैट विदाउट देम इकोनॉमी वुड बी ग्रेन एंड हार्ड. दे आर such flexible tool and most people in the business community use every day. Office worker use them in a write letter, keep employee, restore, create, budget, communication pattern locally, internationally, find the information, manage and also on. You can send your letter, order, message in a part of world in an email in second. With the almost no cost business communication with foreign client at any time. Computer are very vital increase in a department of computer have been assumed much important in the modern business world. In business they process a keep record payroll or their job. They have helped making credit card use institution like Visa. 21st century definitely age of information technology. We want to keep peace with other nation. The world have been adopted his removal technology in our डेली वर्क लाइफ. तो सब कुछ टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है और ये नॉलेज एज है. नॉलेज एज जो जितना जानता है वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल है. ठीक है,
तो ये तुम्हारे बिजनेस, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको थोड़ा सा देख लो, इंशाल्लाह तुम्हारे पेपर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। कुछ चीज़ें रहती हैं डिस्कस करने के लिए, इंशाल्लाह वो हम अपने नेक्स्ट एक क्लास के अंदर उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।